हाय, सुहेल यो आपके सामने. कंग्रेचुलेशंस टू अक्षय, परिणीति, करण एंड द एंटायर टीम. जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी ऑल्सो वी कुड फील दैट कनेक्ट एक्चुअली वेरी इमोशनली. मैं चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब पहली बार आपसे ये नरेशन किया था, और ये लुक स्पेशली एक्चुअली अक्षय जी, आई थिंक सो दिस इस तरह का लुक हमने पहले कभी आपको देखा नहीं इस तरह के लुक में. पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लुक था सरदार वाला, बड़ी बियर्ड, टर्बन, खास करके आजकल हम सिख को इतने बड़े टर्बन में नहीं देखते, और वो खास करके जो रिंग है, स्वॉर्ड, उसका कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, कुछ बताना. इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी लॉन्ग स्वॉर्ड, शायद बहुत वजनदार होगी. हाँ बिल्कुल, जो पग थी करीबन 1.25 किलो की, 1 किलो की पग थी, और 4-5 किलो की तलवार थी. वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते थे वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे. हम डालडा हम बराबर दही भी नहीं खा सकते. आप अभी भी असली घी खाते हो इसलिए इस तरह लगते हो. हाँ. वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं. यू आर डिसिप्लिन पर्सन, बहुत डिसिप्लिन. योर लाइफस्टाइल इज इन अ वेरी डिसिप्लिन. आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो. मत पूछिए कितना डिसिप्लिन है इनका लाइफ. पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया. मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था. मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे. ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है. हाय अनुराग, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने बात की है इससे साफ जाहिर होता है कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं. ये अपना बचपना भूल गए. ये शायद रात को जाते थे 1:30-2 बजे, चलो भाई पाठशाला आया हूँ, पढ़ूंगा बैठ के. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, वी वुड लाइक टू नो, थोड़ा आगे ऐड कुछ बोल रहे थे आप उस शॉट के बारे में. हाँ जी, बहुत कुछ. तो वैसे भी बताऊं आपको कि मैं जब पग पहनता था, पगड़ी पहनता था, तो एक एक शान सी अपने आप आ जाती है. एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि आपके आपके कंधे पे, आपके सर पे एक हल्का सा वजन आ जाता है, तो आप अपने आप ही यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू बिकम कंप्लीटली अपराइट. एंड मैं ये कहूँगा कि देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट. और ये मैंने देखा है कि जो जो इंसान जब पग पहनते हैं, जो सही पग पहनते हैं, वो हमेशा एकदम सही हिसाब से खड़े रहते हैं. और ये इसकी जो रिसर्च जो है, जितनी भी है, मैं चाहूँगा कि ये मैं भी जानना चाहूँगा, तू किस तरह कितनी रिसर्च है दास? रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेज हैं उसमें से ही आया है. उस टाइम पे अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे 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 जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी नॉर्मली. उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे, तो धीरे 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 अभी वो छोटी हो गई हैं. तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेज अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फोटोग्राफ्स हैं, थोड़ी बहुत बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी. और वो जो रिंग आपने मेंशन की उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है. जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमिडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो, तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर. क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था. मुगल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था, तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड. वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है. गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं, तो ये सब जगहों पर मैंने देखा है जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को हाथ में पगड़ी देते हैं. सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड होल्स. बिल्कुल. लेकिन अनुराग, आपकी रिसर्च का प्रोसेस क्या था, क्या किस तरीके से आप रिसर्च रेफरेंसेस आपने क्या क्या लिए,
कैसे इसको बनाया? जी रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था. बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में. कुछ एक दो बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की, एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अफगानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी एक दो वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने. फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं, उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई. फिर एक सीएम है पंजाब के जो करंटली, ही इज़ आल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट आल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड की क्या क्या किस तरह का माहौल था क्या था. तो बेसिकली जो जो एज फार एज द टेक्स्ट इज कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफर किया गया. और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टेक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स. सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पर की गई है.